दोस्तों जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डेवलपमेंट नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए ने मिलकर साल 1996 में इस लक्ष्य के साथ शुरू किया कि 2007 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन 2005 में इसके डिजाइन में कई बदलाव किए गए, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का टाइम तो बढ़ा ही, साथ साथ इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ गई। जब ये 2018 में काफी हद तक बनकर तैयार हो गया तो प्रैक्टिस डिप्लॉयमेंट टेस्ट में इसका एक सनशील्ड फट गया। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसकी डेवलपमेंट लगभग रुक सी ही गई। इतना ही नहीं, एरियन 5 रॉकेट जो इसे स्पेस में पहुंचाने वाला था उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने आ गए। इसके बाद टेलीस्कोप और लॉन्च व्हीकल के कम्युनिकेशन में भी कुछ इश्यूज थे जिन पर साइंटिस्ट काम कर रहे थे। इतने चैलेंजेस पर खरा उतरने के बाद 2016 में जाकर इसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट हुई। इसके बाद गलती की हर गुंजाइश को खत्म करने के लिए लगातार 5 साल तक इसके हर हिस्से को बड़ी ही बारीकी से टेस्ट किया गया और फाइनली $10 बिलियन की इस टाइम मशीन को 25 दिसंबर 2021 को स्पेस की सैर पर भेज दिया गया।